हेलो एवरीवन, मैं युक्ति बेलवाल और आज हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं और आज हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स वीएन कराजन खारकीव और यूक्रेन के और भी यूनिवर्सिटीज़ में गए थे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी काफ़ी सारे बच्चे फ्लाइट में बैठ चुके हैं ऑलरेडी। आज हमारे साथ है भीम सिंह राठौर जी जो कि पटना बिहार से हैं। आप कौन से उससे हैं? आरा जिले से हैं और इनके भी जो है स्टूडेंट गए हैं राकेश कुमार सिंह जो कि वीएन कराजन में गए हैं। आइए जानते हैं कैसे हमारे थ्रू ने एडमिशन का प्रोसेस लिया। तो सर, कभी करीब 3 महीने पहले आप हमारे सेमिनार में आए थे होटल मौर्य में। तो कैसा आपको सेमिनार में कैसे पता चला? हम आपके सेमिनार में आए थे, वहाँ पे तो मेरी पहली मुलाकात के टीम से हुई और उसमें सारी बातें हमसे हुई और मैं आपकी बातों से कन्विंस हुआ। मुझे लगा अपने विचार में कि आप लोग हम लोग स्टूडेंट के साथ में सही न्याय करेंगे, तो मैं पुनः वापस फिर दिल्ली आया और सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ दिया और बीच में जो भी हमारी प्रक्रिया चली पासपोर्ट वगैरह बनवाने की और हमने करके सारे चीज़ देने के बाद वीज़ा वगैरह हमारे मैंने आपकी संस्था द्वारा बना और हमको मिला। हमें कोई परेशानी नहीं हुई आज तक डीलिंग में। आपके जो द्वारा जो भी वादे किए गए, जो भी बात की गई हमारे साथ, उसमें कोई हमको डिफरेंस नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आपके जो भी राकेश था उसका एडमिशन इंडिया में? नहीं, इंडिया में वो अपना परीक्षा दे रहा था, दिया था, लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि हमारे पैसे उतने भी खर्च होंगे इंडिया में, दूसरे ज़्यादा ही आ जाएंगे, तो हम क्यों नहीं दूसरे देशों से ही विदेश के डिग्री को MBBS का प्राप्त करें। तो ये सोच करके हम लोगों ने यूक्रेन को च्वाइस किया क्योंकि यूक्रेन जो है वह अन्य देशों के मामले में मेरी नज़र में कुछ बेहतर है। आपने बताया था कोई था जो यूक्रेन से जो हम हमारे एक बगल गांव के ही पड़ोसी के लड़का आज से 15 साल पहले यूक्रेन से ही किया है MBBS और वो आज की डेट में जमैका में डॉक्टर है वेस्ट इंडीज में। तो मैं कुछ दिनों से पहले से भी जानता था कि थोड़ा सा वहाँ का ठीक है परफॉर्मेंस, जो अच्छे लड़के निकलेंगे वो अच्छे करेंगे। सही बात। तो मुझे लगा कि इसको वहाँ से करवाना चाहिए और अपने यहाँ का तो MBBS की और प्राइवेट जो एजेंसी है, गवर्नमेंट की तो बात अलग है लेकिन प्राइवेट वाले भी पैसा लेते हैं, उसी सुविधा नहीं है, नहीं है। और उस सुविधा में जो दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को हम यहाँ भी झेलते हैं तो विदेश में क्यों नहीं झेलेंगे। यहाँ पढ़ना है तो वहाँ भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा अलग वहाँ की व्यवस्था है, अलग का चार्मिंग है और वहाँ। अच्छा, चलो दूसरी बात। तो सबसे मतलब हमने सेमिनार किया, करीब वहाँ पे 150-200 बच्चे आए थे, ठीक है, 2 दिन हमारा सेमिनार था, लेकिन काफ़ी बच्चों के अंदर शंका थी कि नहीं आपका ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, सही आपका ऑफिस दिल्ली में है, हम पटना में, हम कैसे अब बिहार से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो आप एक मतलब एक इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या इससे फ़र्क पड़ा आपको? नहीं, मैं बार बार अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को जो भी नए आने वाले हैं या जुड़े उस समय, कि कोई मैसेज इस तरह का गलत नहीं जाएगा और नहीं है, क्योंकि आपका डीलिंग जो है मुझे पूरा विश्वास था क्योंकि मैं भी पहली बार आपसे मिला था, तो मुझे विश्वास है कि था भी कि आपने सही हमारे साथ डीलिंग कीजिएगा और देखिए आज मेरा बच्चा यहाँ पर जा रहा है, बिल्कुल विश्वास पे आप खड़े उतरे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मतलब ये तो आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली में ऑफिस है तो आप वहाँ ना लें और जस्ट बिकॉज आपका कोई पड़ोस में कोई लोकल एजेंट है तो उसके थ्रू ले लें, चाहे वो उतना समझदार हो या ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो सही पड़ोस हो या दूर का हो, जो अच्छा व्यवहार करता है वही अपना है, वही अपना है, चाहे विदेश में जाओ, चाहे देश में जाओ, चाहे किसी राज्य में रहो, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है, पड़ोसी भी आपका बुरा है तो बुरा है, दूर वाले भी अच्छे हैं तो अच्छे हैं। सही बात, बस सीधी सी बात है। आपका हमारा जो डीलिंग रहा, हम संतुष्ट हैं आपके डीलिंग से। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ है जैसे कि ये सभी जो दूतावास हैं वो दिल्ली में ही हैं, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आ जाती है दिल्ली से ही होगा। दूसरा चीज़ है करेंसी को कन्वर्ट कराने में यहाँ पर कोई परेशानी ज़्यादा नहीं आती है, एयरपोर्ट भी दिल्ली इंटरनेशनल है, यहाँ से ही जाना है, तो ये सारे मिला करके दूसरे जगह के लोकल जैसे रांची में आए, कोई पटना में आए, वो भी तो आएंगे दिल्ली में ही, बिना MBBS के तो काम ही चलेगा नहीं, फिर एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो है यहाँ पे ही आएंगे,
तो क्यों नहीं हम यहाँ से ही काम करें इनके साथ, यहीं से क्यों नहीं ले इसकी एजेंसी से, क्योंकि ये लोकल के तरह लोग हैं, सब लोग जानते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि अगर आप मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, विश्वास उठ जाएगा। नहीं, आपको कोई आया? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है, ठीक है। आप जितने भी लोग हैं बिहार से, ठीक है, जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, उनको एक मैसेज दीजिए अपनी ही भाषा में कि भाई आपको क्या लगता है कि मतलब इस पूरा जो भी आपको प्रोसेस है उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, हम अपने तरफ से अपना क्षेत्र के लोगों को ये बात मैंने बोलना चाहते नहीं कि बाहर भेजे के अति अपना लड़का के जो बात ओकरा के उत्साहित करी और मनोबल को छोटा मत करी। पैसा हर जगह खर्चा होता है, MBBS करने खातिर, इंजीनियर बने खातिर, और लेकिन अपना लड़का के विदेश की डिग्री अगर लेके आवता है तो थोड़ा सा ओकर उत्साह रहता और गार्जियन थोड़ा सा मनोबल भी ऊँचा रहता होकर कि हमारे लड़का विदेश में पढ़ के आई बा ओकर के आगे आवे वाला भविष्य भी अच्छा हुई ओकर और अच्छा हो जाके एजुकेशन भी बा अपना अभी देश से। तो पैसा दोनों जगह लगाता है, ऐसे बढ़िया बा कि हमनी के माध्यम अगर बढ़िया होकर विदेश भेजने वाला तो हमनी के भेजल जा सकता है। माध्यम अगर अच्छा चाहिए, हाँ, मार्गदर्शक यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने वाला, वहाँ पर कोई तरह का दिक्कत ना हो जाए, देख रेख करने वाला, वो चीज़ जरूरी है। बाकी सब कुछ दिक्कत नहीं है, पैसा तो यहाँ भी वहाँ भी दोनों जगह खर्चा होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।